नमस्कार माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज आप सबके सामने मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँ और आज हम चर्चा करेंगे रिगार्डिंग ट्यूर अवार्ड्स अंशु बनकर। आप सब ने देखा है ट्यूर अवार्ड्स अंशु बनकर डिक्लेयर ऑन 27 दिसंबर 2022 में पीसफुली ख़त्म हुआ है। कुछ अनटॉवर्ड एक्सीडेंट्स सुनने में नहीं मिला है, तो सक्सेसफुली ये बनकर रहा है अंशु की तरफ से। और यहाँ इसलिए बंद कोर किया गया था रिगार्डिंग एपीपीएससी का जो पेपर लीकेज इशू है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो SIC CBI और सरकार का तरफ से जो भी प्रोसीजर्स को काम करना था वो बहुत ही स्लो चल रहा है। तो इस केस को लेकर अंशु खुश नहीं है, क्योंकि अंशु इस चीज़ केस को फोन से लीड कर रहा है, तो इसलिए वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो सरकार का तरफ से जो भी काम अब तक हुआ है बहुत डिले चल रहा है, क्योंकि अभी 4 मंथ्स रनिंग हो रहा है जब से ये जो FSC का जो पेपर लीकेज इशू का जो घटना हुआ है, तब से लेके आज 4 मंथ्स रनिंग हो रहा है। एस्पिरेंट्स लोग दिन रात सड़क में उतर रहे हैं, एस्पिरेंट्स दिन रात मेहनत कर रहा है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी वेस्ट हो रहा है, सब कुछ वेस्ट हो रहा है। तो जिस प्रकार से जो अब तक जो अरेस्ट हुआ है एक्यूज लोग, जिस तरह से उन्होंने अरुणाचल का जो टैलेंटेड एस्पिरेंट्स को डिप्रेव किया है, हमारे जो टैलेंटेड गरीब बच्चों को डिप्रेव किया है, उसको पैसा का दम पे जो टैलेंट को पीछे कर दिया गया था, भेजा जाता था, पेपर को खरीदा जाता था 30-40 लैक्स को, तो जो गरीब बच्चा है 30-40 लैक्स कहाँ से लाएंगे? जो गरीब बच्चा अपना बच्चा के लिए गाय बकरी सूअर पाल के मिर्चा मार के सब्जी बिक्री करके खेती करके जो डिग्री हासिल करना चाहिए था, जो काबिलियत अपना बच्चा को पेरेंट्स का तरफ से जो करना चाहिए था वो पेरेंट्स ने मेहनत करके किया है, खून पसीना का पैसा से उसको डिग्री हासिल किया है, लेकिन जब नौकरी का समय आता है, इंटरव्यू देने का समय आता है, तो वो लोग कहीं का नहीं रह जाता है, क्योंकि उनका पास पैसा नहीं है। जिनका पास है पैसा है वो सबसे पहले ऑफिसर बनता है, JA बनता है, एपीसीएस में शो बनता है, एपीसीएस में बहुत बड़ा बड़ा बन जाता है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है पेपर खरीदने के लिए, क्वेश्चन पेपर को खरीदने के लिए, नौकरी को खरीदने के लिए, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनके पास, ना कोई पैसा का पावर है उनके पास, टैलेंट तो है, तो वो लोग आज डिप्रेस है। ना जाने अब तक कितना ऐसे टैलेंटेड एस्पिरेंट्स को डिप्रेस किया होगा, ये हम सोच सकते हैं। तो आज पर्दाफाश हुआ है जो नौकरी को लेके जो 30-40 लैक्स में जो डील हो रहा था वो आज पर्दाफाश हुआ है। तो इस इशू में जो अब तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो बहुत ही स्लो है, तो हम सब सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि ये डे वन से हम लोग फॉलो कर रहे इस चीज़ को। और अंशु जो है हम बहुत ही अप्रिशिएट करता है अंडर द लीडरशिप ऑफ नवम टोडम, इतना अच्छा काम कर रहा है अंशु, तो हमें अंशु को हमेशा साथ देना है। जब तक ये केस रिजोल्व नहीं होगा तब तक अंशु को हमें साथ देना है, और साथ दे रहा है। बहुत आज जो बनकर में दिखाई दिया है कि बहुत अच्छे लास्ट नंबर में जो पब्लिक सपोर्ट कर रहा है, और सरकार को भी इस चीज़ को, इस केस को, इस इशू को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अरुणाचल का घर घर का सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है इतना बड़ा केस। हम तो ये चाहता है कि दोबारा इस प्रकार का केस ना निकले इन फ्यूचर में अरुणाचल प्रदेश में, और ये केस अगर हम हार जाते हैं तो आने वाला यूथ, आने वाला जो गरीब टैलेंटेड बच्चा लोग का सब खत्म है, ऐसे मान के हम चलना है। तो इस चीज़ को आज हम आवाज़ उठाएंगे, आज हम फाइट करेंगे चाहे जो भी हो। और अंशु का तरफ से ये क्लियरली इंडिकेट किया है कि आने वाला कल में अगर सरकार सीरियसली इस चीज़ का ऊपर जो भी उनका चतर डिमांड्स रखा है एस्पिरेंट्स जो इशू कमिटी और जो अंशु का तरफ से, तो उस चीज़ को ऊपर सरकार जल्द से जल्द अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फादर बनकर करने का चांसेस करेंगे। इस प्रकार का कुछ बातें कहाँ है अंशु की तरफ से। तो सरकार को अगर स्टेट को स्मूथली चलाना है, सरकार BJP सरकार हम सबको पता है जीरो टॉलरेंस करप्शन में बात करता है, तो उस अपना स्टैंड रहना चाहिए, काम करना चाहिए जल्द से जल्द। इतना सारा 4-5 महीना तो बहुत टाइम हो गया, इन्वेस्टिगेशन CBI इतना बड़ा गैस का एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो आज कुछ भी डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे, उनके तरफ से 0 अपडेट है।
पब्लिक डोमेन में, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अच्छा काम कर रहे हो तो? और जितना मेन यहाँ जो भी एक्यूज एरेस्ट हुआ है अब तक, जो 34 कुछ एक्यूज है, तो उनका तो सिर्फ ब्रोकर और पैसा देने वाला का अरेस्ट हुआ है, यानी कि खरीदने वाला का ही अरेस्ट हुआ है, बाकी जो बेचने वाला को क्यों नहीं अरेस्ट नहीं कर रहा है? और जो इंस्टीट्यूशन का जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो चेयरमैन होता है, उसको भी अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है। अरेस्ट तो छोड़ दे, कुछ इंक्वायरी कुछ पूछताछ करना चाहिए अभी तक, तो उनके तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से अब तक कुछ भी अपडेट नहीं है। तो इस प्रकार का जो इन्वेस्टिगेशन अब तक 3-4 महीना में भी अगर कुछ भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये केस चल रहा है। चाहे यहाँ जितना भी बड़ा पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशियल्स क्यों ना हो, इसको सरकार जल्द से जल्द जो भी एक्यूज एम्बोल है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, हम सब ये चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ एक का काम नहीं होता है ये सब, इस प्रकार का काम जो है नेटवर्क का काम होता है, जो ऊपर से नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक फैला होता है। तो इस जो नेटवर्क और गैंग का काम को पर्दाफाश करना है और जल्द से जल्द पब्लिक डोमेन में लाना है, तब हम सेटिस्फेक्शन रहेंगे। पैसा सिर्फ टकेट जरंग नहीं लिया होगा, आज इतना लाख लाख करोड़ को टकेट जरंग सिर्फ लिया होने से, टकेट जरंग तो कहाँ पहुंचना था, वो तो एक चीफ मिनिस्टर बनना था होगा अभी तक। तो कहीं ना कहीं पैसा का शेयरिंग हुआ है, कहीं ना कहीं गैंग है यहाँ, एक नेटवर्क का काम किया है। तो इस नेटवर्क को तोड़ना है, जैसे करके पर्दाफाश करना है और पब्लिक डोमेन में लाना है। और जितना भी एक्यूज एम्बोल है, चाहे बड़ा बड़ा पॉलिटिशियंस, एमएलए, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स क्यों ना हो, सभी को पब्लिक डोमेन में लाना है। जो भी इन्वॉल्व किया है, इन्वॉल्व हुआ है, जो भी इस लेन देन में, इस डील में शामिल है, उन सबको जल्द से जल्द पब्लिक डोमेन में लाना है सरकार का या जितना भी इन्वेस्टिगेशन का तरफ से। और आने वाले दिन में अगर ये केस हम हार जाते हैं, इस केस को दबाया जाता है, तब आने वाला दिन में आने वाला जो यूथ से पैरी है, जनरेशन है, गरीब बच्चे, टैलेंट है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके माता पिता हजरा करता है, खेती करता है, बिलचा करता है, घर बनाता है, मुर्गी मिथुन गाय पाल के जो डेली लाइफ चलता है, अपना परिवार पालन पोषण होता है, उनका बच्चा टैलेंट होके भी कुछ नहीं होने वाला है। तो इस केस को, इस इश्यू को जैसे करके भी हमें जीतना है। और जो ये करप्शन, जो गलत सिस्टम, जो सिस्टम में कोलैप्स था, पैसा का दम से जो फिसल बना है, उनका आँच रोकना हमारा काम है। जितना भी अरुणाचल का जनता, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर सपोर्ट कीजिए, कैसे करके भी आप सपोर्ट कीजिए। आप मॉरली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, आप जो है वो उस प्रकार से आप सपोर्ट कीजिए। आपके पास जो कैपेसिटी है उस प्रकार से सपोर्ट कीजिए। आंसू को हमेशा सपोर्ट कीजिए, और आंसू को अप्रिशिएट करना चाहिए। अंडर डायनेमिक लीडरशिप नाबम दोदम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका टीम। इस प्रकार का लीडर स्टेट में निकलना चाहिए, जो रैली, जो इश्यूज पे जो स्टिक है, जो रैली, जो अपना विजन है वो क्लियर है कि आने वाला जो जनरेशन के लिए काम करना चाहता है, उस टाइप का लीडरशिप को हमें आज चुनना चाहिए और उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो आज जितना भी अरुणाचल का जनता है, आप सभी को मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग प्लीज आगे आए। और जितना भी अंशु सिर्फ को नहीं देखना है, जितना भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी सब आना चाहिए अपना अपना जगह पे। इस प्रकार का जो जो भी अपना डेमोक्रेटिक वे में जो भी प्रोटेस्ट करना चाहता है वो करना चाहिए। और हर डिस्ट्रिक्ट अंचल का ये इतना बड़ा इशू है, घर घर से जुड़ा हुआ इशू है ये, तो हम सब इसे लड़ना चाहिए। जब तक रिजल्ट केस नहीं होगा, जब तक ये फाइनल नहीं होगा, इसको हमें लड़ते रहना चाहिए।